मेहनत बहुत करता है वो एक्चुअली, उसका वो स्टार्टिंग से बहुत मेहनत करता है ना मम्मा. वो पहले भी मुझे नहीं बताने दे रही, उसकी तारीफ नहीं करने दे रही. गुड मॉर्निंग गाइज और वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग गाइज. जस्ट अभी मैं आया हूँ अपना अकेडमी से. मॉर्निंग में आते ही देखो ना सेशन ने हाल क्या कर दिया. आप लोगों ने देख ही लिया, कबूतर मार दिया. और कबूतर भी ऐसा मारा ना क्या बताऊँ मम्मा, छुटा रही तो छोड़ ही नहीं रहा था. पूरे घर में खून ही खून कर दिया है. तो ये है और कबूतर पता नहीं कैसे मम कहाँ से पकड़ाई, बालकनी से पकड़ लियो. तो गाइज जस्ट अभी जिम से आया हूँ, बट आज आप लोगों के लिए जो व्लॉग होने वाला है, आज रेसिपी व्लॉग होने वाला है. और किस पे होने वाला है मामा, किस पे होने वाला आज का व्लॉग? तो गाइस आज मामा लाफिंग बना रहे हैं. तो लाफिंग बनाने का प्रोसेस बता दो क्या क्या करना होता है. पहला मैदा को गूंदूंगी, इसको डो बना के छोड़ दूंगी 10-15 मिनट, उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी. ठीक है, अभी मैं मैदा गूंद रही हूं. ठीक है. तो गाइस आज आप लोग काफी टाइम से बोल रहे हो कि रेसिपी शेयर करो और स्टेप बाय स्टेप शेयर करो. तो गाइस आज मैं कोशिश पूरा करूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही शेयर करूं कैसे लाफिंग बनती है. और सच बता रहा हूं गाइस, बहुत मन कर रहा है लाफिंग खाने का, मेरा भी, रोही का भी. तो अंदर से आवाज आ गई थी, रोही कहते मुझे भी खाना है. तो लाफिंग ना हम इतना दूर जाते हैं मजनू का टीला लाफिंग के लिए स्पेशली, बट मैं चाहता हूँ कि आप घर पे भी ट्राई करो क्योंकि लाफिंग ऐसी चीज है ना गाइस, एक नई चीज है और ये तिब्बतन फूड है. तो हमारे यहाँ नेपाली गोरखा लोग भी बहुत खाते और बहुत स्पाइसी होते गाइस. अगर आप लोगों ने नहीं खाया है तो आप मजनू का टीला जाके खा सकते हो. अगर आप मजनू का टीला नहीं जा सकते तो आप घर पे बैठे बैठे भी हमारे ब्लॉग्स देख के आप सीख भी सकते हो और ट्राई भी कर सकते हो और बताना कैसा है. तो अभी तो मम्मा इसको गूंद रही है. कितना देर रखना पड़ता है मम्मा इसको? 10-15 मिनट. अच्छा 10-15 मिनट. और क्या क्या मिलावट है इसमें मम्मी? अभी कुछ नहीं मिला है इसमें मैंने. हाँ ठीक है, पानी गूंद लिया. अभी इसको थोड़ी देर रखूंगी उसको मैं, फिर मैं इसको पानी डाल के इसको वो निकालूंगी, क्या बोलते हैं, बताऊंगी दिखाऊंगी. मैं भी अपना एकेडमी वर्क कर रहा, देखो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन करना होता है. तो आप लोग कहते हो ना दादा आप क्या करते हो, पूरा मुझे लिस्ट बनानी होती है स्टूडेंट्स की, सब चीज मैनेज करना पड़ता है. तो ये गाइस मतलब आज क्या बताऊं, काम बहुत सारे रहते हैं, उसके साथ साथ भी आप लोग इतना मोटिवेट करते हो कि आप इतने कंसिस्टेंसी हो और इतने डेली व्लॉग कर रहे हो. गाइस सच में आप लोगों के एक अच्छे अच्छे कमेंट की वजह से मेरे अंदर एक हिम्मत से जगते कि हाँ यार कंटिन्यू करना है. और नेक्स्ट मंथ तो पूरा एक साल हो जाएगा और उसका सेलिब्रेशन भी करूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है कि कंसिस्टेंसी. और मैं भी अपने वीडियो में हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, स्टार्टिंग में हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं और ये मत सोचो कि रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं बिल्कुल जल्दी रिजल्ट आ जाएगा. इस 50 के होने में मुझे कम से कम 1.5 साल लग गए और शुरू में थोड़ा सा टाइम लगा, फिर बीच में थोड़ा एकदम से हाइप हुआ था, फिर स्लो हो गया. तो मुझे उससे इतना फर्क नहीं पड़ा और मैं ना डिमोटिवेट हुआ. मुझे लगता है कि लाइफ में यार पेशेंस बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आज हम अपने अकेडमी को रनिंग भी कर रहे हैं. तो हमने स्टार्ट एक दो बच्चों से, एक दो स्टूडेंट से किया था, तो आज भगवान की कृपा से स्टूडेंट्स अच्छे हैं. तो इसी वजह से मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि नेवर गिव अप एटीट्यूड रखो और ऑलवेज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो. और हमारे घर में वैसे भी जो भी है ना, चाहे रोही हो, रोशन भैया हो, मम्मा हो, हम सब ना ऑलवेज इसी उससे चलते हैं. और ये सब मम्मा का ही है कि जो हमारे अंदर डाल रखा है, ऑलवेज गिव अप नहीं करना. तो गाइस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. और आप लोग भी ट्राई करो, जो चीज आपने सोच रखा है ना आज अभी से करना स्टार्ट कर दो. मैं सोचो कल से करूंगा, वो कल कभी नहीं आता गाइस. अच्छा ऐसे, ओए होए, हमारे वहां झाड़ है इसे तो ऐसे रही तो बनचा वहां. नहीं बोल रहा हूँ मैं, देखो गाइस बिल्कुल गोल भर के रखूंगी, थिन करना बिल्कुल, ठीक होना चाहिए. ऊपर पानी आ जाएगा, नीचे है ना बेस रह जाएगा नीचे की तरफ. ठीक है, अच्छा अभी तो और भी निकलेगा मामा इसमें से, निकलेगा ना. सच में गाइस ये बनते हुए कितना बढ़िया लग रहा है बताओ, खाने में अलग ही टेस्ट होगा, स्वाद ही अलग होगा. देखो ना कितना सही लग रहा है, ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है देखो दिखने में. बताओ आज होप सो बढ़िया वाला बने, लास्ट टाइम थोड़ा सा वो हो गया था ना, प्रॉब्लम हो गया था. मेरे पास ना बर्तन नहीं है, ढक्कन नहीं है. अच्छा तो इस बार लेके आएंगे ना, बाहर जाके लेके आते हैं. तो गाइस अभी ना पूरा भरेगा तब मम्मा रखेंगे 2-3 घंटे, अभी देख रहे हो आप पूरा भरा नहीं है. तो अभी और निकलेगा इसमें से. तो गाइज आपने इतना तो आपको प्रोसेस पता ही चल गया कि बस इतना यही है, ये जो बस जाता ना ये बात, और एक बार दोगे फिर बाद में जो
लाठी के अंदर का नहीं डालते लोग, वही है। अच्छा, जो की तरह डालते नहीं है, हाँ, जो फिलिंग होती है उसकी। तो गाइस देख रहे हो, मतलब इसके पानी से लाफिंग बनता है और इसके जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, इससे लाफिंग के अंदर जो फिलिंग नहीं डालते, आप लोगों ने खाया होगा, वो बनता है। गाइस मम्मा मुझे बाहर जाना था, पर आंख लग गई मेरे भी और मम्मा के भी, तो जस्ट अभी उठा हूँ। अरे उठ गए आप भी? हाँ उठ गए, आपकी भी नींद लग गई क्या? बहुत गंदा वाला, देखो ये पानी वाला दिख रहा है। हाँ लाफिंग का कलर आ गया एकदम से, लाफिंग तो हल्दी रखा लगा था। अच्छा अभी इतना नहीं हुआ, ऐसे निकलना पड़ता है। अच्छा फिर थोड़ी देर और बैठेगा, ठीक है। अभी तो दो घंटे। चलो गाइस अब मैं कर रहा हूँ लंच, और आप लंच के बाद काम के लिए निकलना है, अब तो सीधा रात को मिलेंगे लाफिंग के रेसिपी के साथ। कनक नहीं है घर पे, मम्मा बना रही है और मैं उसका ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि वो घर पे नहीं है, काम कर रहा है, मेहनत बहुत करता है वो। एक्चुअली उसका वो स्टार्टिंग से बहुत मेहनत करता है ना मम्मा, वो पहले भी जब वो पहले भी कॉलेज में जाता था, तब वो बिजनेस कर रहा था हमारा ये स्पोर्ट्स अकेडमी वाला, तो वो पता है सुबह उठता था 8 बजे, फिर कॉलेज से आता था 4-5 बजे, और फटाफट खाना खाता था, नहाता था और तुरंत क्लास के लिए निकल जाता था, फिर 9 बजे घर आता था, है ना मम्मा। उसने बहुत मेहनत करी। आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ माई होल फैमिली। रोशन भाई ने बहुत मेहनत करी, उसने बहुत मेहनत करी है, और बिकॉज ऑफ हर ये इन्होंने सिखाया मेहनत करना। मेहनत करो, मेहनत करो, वही हम भी वही कर रहे हैं, मेहनत ही कर रहे हैं। किसी के सामने मत झुको, मेहनत के कमाई खाओ। यस सर, अभी मम्मी बना रही चटनी, जो कि इसकी मेन रेसिपी है। क्या डाला इसमें आपने बता दो? हाँ क्या डाला? खुशबू तो बड़ी तेज आ रही है, कश्मीरी मिर्ची है, तो इसीलिए काला हो गया, ठीक है, काला दिख रहा है, काला नहीं है। ओके ओके, और सोया सॉस डाल दिया, लहसुन डाला, मिर्ची डाला, बस इतना टिम्बू डाला, तो अब चटनी रेडी हो गई है। मम्मा पहले मुझे लाफिंग बना के खिला रही है, वो घर पे आया नहीं अभी तक, मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है यार, खिला दो भाई, मेरा टाइम हो गया खाना खाने का। मम्मी स्पेशली नया प्लेट खरीद के लाई है इसके लिए। इसको निकालने के लिए क्या करूँ, ऐसे वो पेपर मुझे नहीं पता, पर एक बात बताओ, नई प्लेट क्यों लाई हो आप? उसी के लिए लाई हूँ। बट नई प्लेट क्यों? ये बड़ा है ना ये प्लेट। अच्छा ये बड़ा मुश्किल होता है निकालना भाई, लोग कैसे निकालते हैं मुझे आइडिया नहीं है, प्लेट ही नहीं आई। मैं इसको करूंगी एक बार आइडिया एडजस्ट करेगी मम्मा, सैड हो गई, इसमें आई नहीं रहा, हवा ना जाने वाला था ये। भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है लाफिंग बनाने के लिए, बताओ। टू मच हार्ड वर्क फिलिंग है लाफिंग की। मम्मा ने फिलिंग ये इसी से बनता है ना मम्मा? ये आई थिंक उसने शूट कर लिया होगा, इतना तो मुझे आइडिया नहीं है। वो बता, ये क्या है? घी है। अच्छा घी है, मैं बोला ये क्या भाई, तो मम्मा से कुक कर रहे हैं बेसिकली। धूल देख रहे हो उसके ऊपर? जी भाई, अभी तो मां ने बनाया था भाई, तो तुझे लगा था अंदर तो नहीं है ना, कुक कर रही हूँ मैं से। सो गाइस जस्ट अभी घर आया हूँ, और देखो यार जैकेट अभी भी पहनता हूँ, बिकॉज ना मेरा हाथ बहुत जल गया था सन से, तो इसी वजह से अब ये फुल स्लीव पहन के जा रहा हूँ, पर बहुत लाइट है ये, तो इसे हमेशा पहनता हूँ। और आप लोगों को पता ही है आज लाफिंग बन रहा है घर में, तो सुबह आप लोगों को प्रोसीजर दिखाई दिया, बाकी मैं एबसेंट था, तो मैं भी अकेडमी से जस्ट आया, तो आई थिंक रोहिनी ने शूट किया ना, तो रोहिनी ने थोड़ा बहुत शूट किया, तो उसने हेल्प कर दी मेरी, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ब्लॉग्स देख के वीडियोज़ देख के लाफिंग बनाना भी सीख लो। तो अभी देख लो लाफिंग आप, ये देखो भाई पहला लाफिंग मेरा ये गाइस, और ये देखो आपका वाई वाई ना, जब भी मोकटू रहता है ना गाइस ऐसा लग रहा है घर में मोमो बनने वाला है। ये देखो यहाँ पर भी है भाई साहब, भी है मामा, अच्छा चलो कोई नहीं, इतनी मेहनत से बना रहे हो। ये देखो गाइस, ओ भाई देखो क्रेविंग नहीं हो रही गाइस इसे देख के। गाइस पहला लाफिंग मेरे नाम पे, आपने खाया अम्मा? टेस्टी है। बढ़िया, एक बढ़िया से खुशबू आ रही है अलग से। ऐसा लग रहा है
सही लग रहा है गाइस, आफ्टर लाफिंग रूह अफजा भाई। रूह अफजा तो कल बहुत है गाइस, कल मैं जा रहा हूँ टूर्नामेंट में और टूर्नामेंट पूरा दिन निकल जाना, मतलब कल सुबह से शाम हो जाना टूर्नामेंट में, तो इसी वजह से मम्मा बोल रही है रूह अफजा ले जाना है, क्योंकि रूह अफजा बहुत सही है, गर्मी है ना, गर्मी में डिहाइड्रेशन नहीं होती, तो पानी की जगह रूह अफजा पीना तो और बढ़िया हो जाएगा। सो गाइस रिव्यू का टाइम, पहले रोही रिव्यू देगी। जज मास्टर शेफ मम्मा अच्छा है, इसमें वो कड़वाहट नहीं है, सोया सॉस डाला, ये डाला, वो डाला ना। मुझे भी दे दिया जिससे जो कैमरा के पीछे सब लोग बैठ के देख रहे होंगे, कितना मन कर रहा होगा। सच में यार मन कर रहा है, मेरा तो बहुत मन कर रहा है गाइस, मैं खा के आता हूँ, बहुत चर चर खा रही है, मेरे लिए कहाँ है अभी तो। अच्छा ये रहना ले लो एक मामा, आराम से उठाइयो, मैं बना दे छु। हां ये कड़वा नहीं है। है ना बढ़िया नहीं है ना, मैं डाइट पर ये भी कहेगा क्या, अब तो आप भी एक्सपर्ट हो गए मम्मी लाफिंग बनाने में, लाफिंग भी बनाते हो, मोमो भी बनाते हो, पूरे रेस्टोरेंट ही खोलने वाले लग रहा है। मेरे बस की नहीं है रेसिपी, आपको बनाना थोड़ी, आपको ऑर्डर देना है कि नहीं। ये वाला बहुत सही निकला ना माँ, बिल्कुल इसमें बहुत सारा वाइवर डाल दो। कौन सा वाले में, माना गोल भी तो कौन पड़ सा, ले वाइवर ले ता, बहुत सारा वाइवर डालो, एक आध देखो कितना लाफिंग है भाई, मजा आ गया आज, ये हमारा रात का डिनर, यहाँ पे भी और भी है। और उसके अलावा गाइस पता है इतना मिर्च है कि नाक से पसीने निकलने लग गए, नाक से? और क्या देखो ना, नाक से पसीना नहीं, नाक से पानी, ये रहा। अच्छा मम्मा कह रहे नाक से पानी कैसे निकले, पसीने ही निकलेगा। और गाइस आज का डिनर मुझे लग रहा है यही होने वाला है, और उसके बाद मैं और मम्मा जाएंगे मंदिर, क्योंकि आज सैटरडे तो मंदिर जाना भी बहुत जरूरी होता है, तो आज मम्मा और मंदिर जाएंगे, मैं पहले खत्म वतम करके। और आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, और साथ ही साथ आप लोगों ने सीख लिया होगा रेसिपी कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं लाफिंग, तो इजी है गाइस, आप बस थोड़ा सा मेहनत ये है कि सारे चीज़ें स्टफ सारे लेके आना, और पेशेंस बहुत चाहिए लाफिंग बनाने में। और रोही और मेरा बहुत मन था, मम्मा ने वो हमारी ड्रीम कह रहे ना, हमारा ख्वाहिश पूरी कर दी, तो मम्मी का भी ख्वाहिश पूरा करना बनता है ना गाइस। डाइट कोक और लाफिंग चल रहा है महाराज, तो आई थिंक रोशन भैया और भाभी देख के मिस कर रहे होंगे पक्का ना मां, हाँ इसी में से पिलेंगे, बहुत बड़ा ये व्लॉग को भी यही एंड कर देते हैं। आई डोंट नो कितना बड़ा व्लॉग बना है, बट आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा है आज का, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आप मेरे चैनल पर नए गए जाके जरूर बेल आइकन दबाइए, मिलते न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय एंड सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, आई लव यू एंड गुड नाइट।